दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र दड़ोकिया, असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइजर गीर सोमनाथ, आपसे आज जो बात करने जा रहा हूँ वो अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूँगा। क्योंकि जहाँ भी अप्रेंटिस की भर्ती होती है वहाँ वो लोग या तो फिर ए वाला नंबर लेके बुलाते हैं, या फिर प्रोफाइल का प्रिंटआउट उसके साथ जोड़ने के लिए कहते हैं, या तो फिर आपको अप्रेंटिस से जुड़ने से पहले या जुड़ने के बाद अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्योंकि उस अप्रेंटिस के रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप जिस फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज या एस्टेब्लिशमेंट में जुड़ेंगे उसको वो स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप की रकम गवर्नमेंट में से मिलेगी। तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमको रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूम नहीं है। कल ही मांगरोल से भी एक फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि सर जो जूनागढ़ में GSRTC की भर्ती है ST में, उसमें अप्रेंटिस का प्रिंट आउट उसने मांगा है, तो कैसे हम रजिस्ट्रेशन करें। तो मैंने दो वीडियो छोड़ के रखे हैं। एक वीडियो ऐसा है कि जिसमें अप्रेंटिस की पूरी जानकारी दी गई है कि पूरा अप्रेंटिस स्कीम क्या है वो आप समझ लीजिए, वो ITI से कैसे अलग पड़ता है, ITI क्या है और अप्रेंटिस स्कीम क्या है, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है। दूसरा एक वीडियो जिसमें मैंने ब्रीफ जानकारी दी थी कि अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करें, और बहुत सारे बच्चों को वो दिक्कत आती थी, कंप्लेन होती थी कि सर हमको उसमें स्टेप बाय स्टेप है पर हमको किस फील्ड के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है वो मालूम नहीं था। तो आज तुम्हारे साथ में ये जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें फील्ड टू फील्ड और जो पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। 5 स्टेप, 5 स्टेप के दौरान आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पहले नंबर 1 पे आपको गूगल में सर्च करके apprenticeindia.org पे जाना है। वहाँ रजिस्ट्रेशन है कॉर्नर पे, वहाँ कॉर्नर पे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कैंडिडेट एस्टेब्लिशमेंट TPO करके लिखा होगा। वहाँ आपको कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो पर्सनल डिटेल का एक पेज खुल जाएगा। पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको सब जो इन्फॉर्मेशन, आपके नेम, एड्रेस और खास करके टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस, तो आपका जो वैलिड ईमेल एड्रेस है जिसका आप यूज़ कर रहे हो, जो खुल रहा हो, जिसमें कोई दिक्कत ना हो वो, और आपका जो चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। दोस्तों, जो मैंडेटरी फील्ड है स्टार, वो तो आपको पता ही होगा कि उसको फिलअप करना कंपलसरी है। तो उतने फील्ड आपको जब फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो ये हो गया आपका पर्सनल डिटेल का नंबर 1 फर्स्ट स्टेज कम्प्लीट। उसके बाद जहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया है उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक लिंक शेयर की जाएगी यहाँ से। तो आपको जाके वापस अपना जो ईमेल एड्रेस है वहाँ से आपको क्लिक करके अपना ईमेल बॉक्स खोलना है। उनके इनबॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जहाँ से आपको क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। तो उसके मायने ये है कि जो ईमेल एड्रेस आपने दिया वो आपका है, ऐसा प्रूव हो जाता है। और आप जब ऐसे ही करेंगे तो उसके साथ ही आपका ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इससे पहले आपका एक ए वाला नंबर जनरेट होगा जब आप फर्स्ट स्टेज में सबमिट करेंगे, तो ए वाला नंबर ज़रा नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे भी आपको मिलेगा ईमेल में भी, तो वो भी आप याद रखिएगा और इस ईमेल को सेव करके रखिएगा ताकि आपको फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए उसमें जो रेफरेंसेस है वो काम आएंगे। अब दोस्तों, नंबर 2 स्टेज है, दूसरा स्टेज, उसमें आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। जब आप अपना एक्टिवेशन हो जाएगा तो आपने जो अपना फर्स्ट वाला पर्सनल डिटेल का जहाँ पे फिलअप किया था वहाँ आपने जो पासवर्ड और यूज़र नेम डाला था तो वो डाल के फिर से आपको अप्रेंटिस के ऊपर लॉगिन होना है। और आप साइट के राइट साइड में देखेंगे तो प्रोफाइल करके आएगा, तो उसके अंदर आपको कंप्लीट करना है अपना प्रोफाइल। तो प्रोफाइल के अंदर क्या आता है, तो आपका जो एड्रेस है, आपका टेलीफोन नंबर है और ईमेल एड्रेस वो दे दिया, फिर आपका मदर पेरेंट्स का जो भी है गार्डियन है उसका, फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके बाद जब टेक्निकल क्वालिफिकेशन वो आपको फिलअप करना है। वो जब आप करेंगे तो अपना
प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा और कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीट ऐसा करके आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि आपका, मैंने बताया था कि भाई आपका आधार जो कार्ड है वो आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको नाम लिखना है। आपके LC में जो भी नाम हो या फिर आपके मार्कशीट में जो भी नाम हो वो आपको इस पोर्टल के लिए भूल जाना है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन कंपलसरी है और आधार के हिसाब से ही आपको नाम फिल करना है। अगर आपके आधार में और LC में और मार्कशीट में कहीं भी नाम में कोई गड़बड़ी है तो आप आधार का जो नाम लिखा हुआ है उनको इन सब के साथ कंपेयर कर दीजिए। आधार वेरिफिकेशन आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका हो गया तीसरा स्टेज कंप्लीट। उसके बाद आपको फोर्थ स्टेज में आपकी अपॉर्चुनिटीज सिलेक्ट करनी है, जिसमें आपको जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी है, उसके अंदर जब आप अप्लाई करेंगे तो इससे पहले अपना प्रेफरेंस बताना है आपको कि आप कौन से सेक्टर से है, कौन से ट्रेड से है, कहाँ पे जाना चाहते हैं, आपका लोकेशन वगैरह। तो वो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको सिलेक्ट करके फोर्थ स्टेज में आपको ये कंप्लीट करना है। जब आप ये कंप्लीट करेंगे तो जो भी आपके ट्रेड के रिलेटेड, आपके प्रेफरेंस के रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनके डैशबोर्ड पे आपका प्रोफाइल ऐसे ही पहुंच जाएगा और वो लोग देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो लोग आपको एक ऑफर सेंड करेंगे कि भाई आपकी प्रोफाइल हमने देखी है, आपका बायोडाटा देखा है, हमारा जो क्राइटेरिया है कैंडिडेट का उसके हिसाब से आप फिट फॉर हो, तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहे अप्रेंटिस के लिए तो आप वेलकम है, ऐसा आपको एक मेल भेजेंगे वो लोग। और वो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है तो आप अप्रेंटिस पोर्टल के ऊपर आपको ऑफर आएगा। जब ऑफर आएगा तो उस ऑफर को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना वो आपके ऊपर है। आपको उस प्रोफाइल को देखना है, आपको कितने सैलरी ऑफर होती है और क्या फैसिलिटी मिलती है, आपको लोकेशन के हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से, आपके ट्रेड के हिसाब से अगर अप्रेंटिस में जुड़ना चाहे तो पेज के राइट साइड पे साइन कॉन्ट्रैक्ट करके एक टैब होगा, वहाँ से आप जब साइन करेंगे तब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि आप इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं। और लास्ट वाला स्टेज जो दोस्तों है वो है बैंक अकाउंट का डिटेल। तो आपको अगर ये सब जुड़ लिया है तो आपका जो सैलरी है, जो आपका स्टाइपेंड वगैरह है वो इस बैंक के अकाउंट में आएंगे और वो आपको वही देना है जो आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ हो। तो आप आधार के हिसाब से सब डॉक्यूमेंट सेट कर दीजिए। अगर नहीं किया है तो एक लॉकडाउन का यूज़ करके आधार में अगर नाम चेंज करना है तो आधार में नाम चेंज करके मोबाइल नंबर आधार के साथ जो है वो, और अपना ईमेल और मोबाइल नंबर सब करेक्ट करके रखिए ताकि आपको कहीं पे भी अप्रेंटिस के लिए जाना हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया है कि 1,00,000 अप्रेंटिस पूरे गुजरात में लेने हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को अपना एक टारगेट भी दिया गया है और उसकी पूरी जानकारी की एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको पास अगर कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो मेरे ख्याल से आप अब बेकार नहीं रहने वाले, आपके लिए बहुत सारी ऑफर आ रही हैं। मैंने आज ही 3 खबरें ऐसी इस साइट के ऊपर, इस चैनल के ऊपर अपलोड की है। मैं जितेंद्र दोलकिया आपका अप्रेंटिस गुरु, ITI गुरु, मोबाइल गुरु, टेक गुरु, आपका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसके रिलेटेड मैं अप्रेंटिस एडवाइजर के तौर पे गिर सोमनाथ में हूँ तो आप वहाँ भी कॉल कर सकते हैं, रूबरू भी आ सकते हैं कभी भी ऑफिस आवर्स के दौरान आपको अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो। पर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट के जरिए बात कीजिए। व्हाट्सएप का भी हमने ग्रुप बना के रखा है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़िए और सारी जानकारियाँ हम व्हाट्सएप से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के अंदर भी हमने सारी बातें रख छोड़ी है। मैं अपना पूरा सोशल मीडिया का जो नेट है वो सब वीडियो के एंड में शेयर करूँगा, आप इसको एंड तक देखते रहिए। दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, अच्छी बातें लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी जो यहाँ से हमने
तैयार की है वो आपके साथ मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया।